नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्ध और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम Instagram पर ट्रेंडिंग रील्स वीडियो कैसे एडिट होती है, जो कि अभी Instagram पर बहुत ट्रेंडिंग चल रही है। और आप लोगों की क्वेरी थी कि सर अब आप हमें बताएं कि कैसे हम भी ऐसी रील वीडियो एडिट कर सकते हैं और लाखों में व्यूज़ पा सकते हैं। तो आज हम एलर्ट मोशन पर एडिटिंग सीखेंगे कि कैसे वो इफेक्ट चल रहा है वाइट स्क्रीन वाला, जिसमें स्नो इफेक्ट्स भी यूज़ हो रहा है और बहुत ही अच्छा टेक्स्ट उसमें यूज़ किया गया है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एलर्ट मोशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। एप्लीकेशन के ओपन होने के बाद आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा, उसमें प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसमें टैप होने के बाद आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आपको एक प्रोजेक्ट सेटिंग सेट करनी है, जैसे कि मैंने इसमें सेट कर रखी है 9:16:720 पिक्सल का रेजोल्यूशन और 30 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन सेट करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है, उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। यहाँ से आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, इमेज एंड वीडियो पर जाएंगे और इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिल स्क्रीन कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको 3rd नंबर ऑप्शन पर सेलेक्ट करके यहाँ से थोड़ी इसकी साइज बढ़ा लेनी है, ठीक है। उसके बाद बैक आ जाना है। अब आप क्या करेंगे, इसमें एक इफेक्ट डालेंगे। इफेक्ट डालने के लिए इमेज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद इस इफेक्ट में जाएंगे, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस, प्लस पे टाइप करेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग और यहाँ से इसका सेचुरेशन यानी -100 सेट कर देंगे इसमें। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक इफेक्ट डालना है जो कि वाइट स्क्रीन का होता है। तो इसमें शेप वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, 2nd नंबर ऑप्शन गोले के पास वाला जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल जिसको कहते हैं, उसको सेलेक्ट करना है। ये सेलेक्ट होने के बाद ऊपर 3 डॉट वापस फिर क्लिक करेंगे और फिल स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कलर एंड फिल पे आना है। उसके बाद आने के बाद आपको ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है 3rd नंबर ऑप्शन। जैसे ये सेलेक्ट करते हैं आप, तो ये जो लाइन बनी हुई है इसको आपको सेंटर कर लेना है। ये सेंटर होने के बाद प्रॉपर अच्छे से सेंटर करनी है, क्योंकि सारा जो मेन गेम है वो यहीं पर ही है, ठीक है। जैसे ये देखो बाहर की तरफ गया हो, तो उसको अंदर की तरफ खींचेंगे ना तो आप सेट हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से इसको आपको ये प्रॉपर सेट करना है, लाइक 90 डिग्री तक सेट कर सकते हैं इसको। ये मैंने इसमें प्रॉपर सेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको कलर वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है। जैसे जो ब्लैक कलर दिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे इसमें मैंने ऊपर सेलेक्ट कर लिया ये रेड कलर, और जो साइड में वाइट कलर है इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो ये ग्रेडिंग कलर सेलेक्ट हो गया है, येलो कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करें, किसी एक की ओपेसिटी कम कर देंगे, बैक इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ओपेसिटी यहाँ से डाउन हो जाएगी। अगर आपको इफेक्ट ये नीचे चाहिए तो उसको ग्रोथ बढ़ा देंगे फिर से, और 1st नंबर वाले कलर पर सेलेक्ट करेंगे जो कि रेड सेलेक्ट किया हुआ है हमने, इस पर क्लिक करके 2nd नंबर ऑप्शन जो है चाकू के निचला ऑप्शन 2nd नंबर ग्रेडियंट वाला होता है, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे लाइक इस तरह से। तो जो इफेक्ट आपको सेट करना है, चाहे लाइक ऊपर चाहते हैं चाहे नीचे चाहते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ येलो कलर में कुछ और कलर सेट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कलर चेंज करके देखता हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। अब आप इसमें ग्रेडियंट अपने हिसाब से ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, जितना आपको ऊपर नीचे चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये लोग कलर सेट करते हैं अपने। अब आप दोनों जगह से ग्रेडियंट दे सकते हैं इसमें इफेक्ट का। अब आपको क्या करना है, दोनों लेयर को 5 सेकंड तक सेट करना है। जैसे हम 5 सेकंड तक बनाते हैं कोई भी रील्स, छोटी सी रील्स होती है हमारी, वो आप 5 सेकंड तक सेट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी ज़्यादा है तो आप 10 सेकंड भी बना सकते हैं। तो दोनों को 5 सेकंड कर लेना है आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये होने के बाद अब आपको मैं एक फॉन्ट दूंगा, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारा मटेरियल आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, दोनों प्रोसेस होने के बाद लाइक इमेज पे आपने इफेक्ट डाल दिया और ऊपर से जो होवर इफेक्ट डालना था कलर का, ग्रेडियंट का इफेक्ट डालना था, वो आपने डाल दिया, ठीक है। अब इसमें हमें टैक्स ऐड करना है, तो टैक्स ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, गूगल पर जाकर हम कोई भी टैक्स को कॉपी कर लेंगे जिस भी अकॉर्डिंग हमारी नीच है, ठीक है। मैंने सर्च कर लिया मोटिवेशनल क्वेर्ड्स इन हिंदी। अब मुझे कोई भी क्वेर्ड्स चाहिए तो मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ जाकर, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हम बैक आ जाएंगे। अब क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर, ठीक है। ये भी मैं आपको दे दूंगा, वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें यूनिकोड 2 श्रीदेव 708 पर टाइप करेंगे, क्रॉस पर क्लिक करेंगे, यूनिकोड पर क्लिक करेंगे। यूनिकोड पर क्लिक करने के बाद जो आपने कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यूनिकोड श्रीदेव पर टाइप करेंगे, कैंसिल पर क्लिक करा, जो आपने ये कोड सेलेक्ट हुआ है उसको कॉपी कर लेना है यहाँ से,
अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। वापस हम हमारे प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, प्लस पर टैप करेंगे और टैक्स वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर अपन इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद क्या होगा कि ये आपका फ़ोन विजिबल नहीं हो पाएगा, तो उसे हमने कलर कर दिया वाइट, ठीक है। इसको यहाँ से हम कर देंगे सेंटर, सेंटर कर दिया। इसको ले आएंगे यहाँ से नीचे। अब ये हमारा फ़ोन हमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है कि हमने क्या लिखा है, तो उसके लिए हम हमारा जो हमने फ़ोन इसमें इंस्टॉल कर रखा है वो उसको सेट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक क्या है उस अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो ये फ़ॉन्ट मैं आपको दे दूंगा, वो आप इसमें का शेप जो है थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाएंगे और इसकी साइज को फिर हम एक्स वाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको कर देंगे पतला, ठीक है। यहाँ से इसको कर देंगे थोड़ा सा पतला, पतला करने के बाद थोड़ी सी इसकी रेडियस बढ़ा देंगे, लाइक 200-300 जो भी आप चाहें। हमने इसमें 300 का रेडियस डाल दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म क्लिक करके इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। नीचे लाने के बाद क्या करेंगे, वापस पे क्लिक करेंगे, कलर पे जाएंगे, तो उसको कलर डाल देंगे, कलर डाल दिया रेड इसमें हमने, ठीक है। इस पर वापस क्लिक करेंगे और हम एक इसमें इफेक्ट ऐड करेंगे, इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे और डायरेक्शन ब्लर पे क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देंगे। ये करके देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा इफेक्ट की सेटिंग को सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिए अभी कितना आपको टिल्ट चाहिए, कितना क्या चाहिए, किस तरह से आप इसमें सेट कर दिया आपने। कलर चेंज करना चाहें तो आप कलर इसमें जो भी है आपके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने इसमें कलर सेट कर दिया। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैं थोड़ा सा इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। ये हो गया सेट इसमें। अब मुझे एक बार और चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करके हूँ, इसको सेलेक्ट करके क्लिक करूँगा इस पर कॉपी लेयर और फिर से यहाँ पे आके पेस्ट लेयर पे क्लिक कर दूँगा, तो दूसरी लेयर भी मेरी ऑटोमेटिक बन गई, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैं दूसरी लेयर को ऊपर ड्रॉप कर दूँगा। ये देखिए तीनों लाइन आ गई, इसके हिसाब से ये एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है, ठीक है। आप चाहे दोनों साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं या चाहे अलग नीचे कर सकते हैं, इस तरह से ये सेट हो जाएगी। इन दोनों बार को करेंगे 5 सेकंड तक सेट कर देंगे, ये 5 सेकंड तक मैंने इसमें सेट कर देता हूँ और दूसरी बार को भी मैं 5 सेकंड तक सेट कर देता हूँ, ये 5 सेकंड तक सेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने चैनल का लोगो या नाम है वो आप इसमें हाथों टाइप करके सेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पेज का नाम है मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी, तो हम इसमें टाइप कर देंगे मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। लाइक नीचे हम आएंगे इसमें, तो इसमें हम कुछ क्वेरीज बनाएंगे लाइक क्वेड्स मोटिवेशनल और सक्सेस, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जो आपको सेट करना है इसमें, ठीक है। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब मुझे ये सेंटर चाहिए, तो मैंने इसको सेंटर कर दिया। थोड़ा सा मैं इसकी साइज़ कम कर देता हूँ ताकि विजिबल प्रॉपर हो जाए, ठीक है।
और इसको थोड़ा सा मैंने टैप करके सेट कर दिया है। अब यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट इसमें ले सकते हैं इसका, जो आपको विजिबल हो, डार्क हो जाए। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपन, ठीक है, ये इसको यहाँ सेट कर देते हैं। इस तरह से आप इसमें ये सेट कर देंगे। अब सबसे मेन इफेक्ट जो है, जो ऊपर से स्नो इफेक्ट चलता है, वो कैसे ऐड करेंगे। प्लस पर टैप करके इमेज एंड वीडियो पर जाएंगे, व्यू ऑल पर क्लिक करके अब हम ये मटेरियल को ऐड करेंगे, प्लस पर टैप करेंगे, ठीक है। ये आने के बाद को क्या करना है, इसको भी 5 सेकंड तक सेट कर लेना है। इस पर टैप करके सेकेंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। तक सारी लेयर जो भी है वो याद रखना, आप हमेशा जो भी आपका वीडियो की लेंथ है वहाँ तक आपको उसको लास्ट तक ले जाना है, ठीक है, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके। अभी जो हमने वीडियो की लेयर ऐड करी है, इसमें हम एक इफेक्ट डालेंगे जो कि ब्लेंडिंग ओपेसिटी है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है इसका लाइटन और इसको कर देंगे स्क्रीन। ये करते ही आपका सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये देखिए वीडियो चला के दिखाता हूँ मैं आपको कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से आप भी अपने मोटिवेशन वीडियो बना सकते हैं, ट्रेंडिंग रील वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।